आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि भारतीय करेंसी नोटों का कागज थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कागज नहीं कुछ और होता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि नोट कागज से बने होते हैं जो जरा सा पानी डालने पर खराब हो जाएंगे या आसानी से फट जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बताया है कि नोट बनाने के लिए 100% कपास का इस्तेमाल किया जाता है जो कागज के मुकाबले अधिक टिकाऊ होते हैं। कागज के नोट की उम्र अधिक लंबी नहीं होती, इसीलिए RBI नोट बनाने के लिए कपास का इस्तेमाल करता है। भारत ही नहीं, अन्य देश अपने नोट को बनाने के लिए कपास का ही इस्तेमाल करते हैं। छूने में ये बिल्कुल कागज जैसा लगता है, लेकिन कागज नहीं होता। नोट को छापते समय RBI इसमें कई तरह के सिक्योरिटी फीचर भी इस्तेमाल करती है, जिसके चलते इन नोटों की नकल बनाना आसान नहीं होता, जिससे रिजर्व बैंक और लोग आसानी से असली और नकली नोट की पहचान कर सकते हैं। भारत में नोट की छपाई 4 प्रेस में की जाती है। इसमें से 2 भारत सरकार के अंडर आती हैं और 2 रिजर्व बैंक के अंडर आती हैं। ये प्रेस नासिक, देवास, मैसूर और सोलबोनी में है, जहां पर बैंक नोट की छपाई की जाती है। वहीं अगर सिक्कों की बात करें तो ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 4 मिंट में बनाई जाती हैं। ये मिंट मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा में है।